जयदीप चटर्जी कोलकाता से साथ जुड़ रहे हैं जयदीप जी नमस्कार सवाल पूछिए सर नमस्कार सर जी तो सर मेरे पास बिल 150 शेयर्स शेयर है एट द रेट ऑफ 194। नाइनटी अभी सुनाई दे रहा है सर जी जी कंटिन्यू करिए हाँ 194 अभी क्या करना है इसी बारे में थोड़ा जानकारी लेना है ओके okay. राजेश जी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सौ शेयर ले रखे हैं और डेढ़ सौ पे निवेश किया है नहीं एक सौ चौरानवे निवेश किया डेढ़ सौ शेयर है और इस वक्त भाव चल रहा है दो सौ अट्ठासी क्या करना चाहिए बने रहना चाहिए क्या आई थिंक उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए और देखिए कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर था एच एल हिंदुस्तान में हिंदुस्तानोटिक्स में हर लेवल पे लग रहा था कि ओवर बॉड है से कहीं ना कहीं करेक्ट होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं ओवरबॉट में माइनर करेक्शन माइनर डिप मिल रहे थे और उसी में बाइंग हो रही थी और आज कंटिन्यूसार के ऊपर खड़ा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो थीम है ये कंटिन्यू होगी प्रोबेबली ज्यादा क्लैरिटी आपको जून मंथ में आएगी लेकिन चार्ट पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती इनफैक्ट मुझे लगता है बी एल इवेंशुअली ये थ्री फिफ्टी का टारगेट करेगा तो यहाँ पे पोजिशनली डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ही ट्रेड है रही बात सपोर्ट की तो मुझे लगता है कि नीरज जी ये दो सौ ये इसके लिए नया बेस बनेगा तो जो भी डिप मिलेगा 250 दो सौ बाइंग के लिए इस्तेमाल होगा तो यस डील ये अच्छा पिक होगा कंटिन्यू ओके होल्ड करिए और डिप पे बाई कर सकते हैं अगला सवाल है गजुला विनय कुमार पटेल का हैदराबाद से बताइए पटेल साहब क्या सवाल है गुड मॉर्निंग सर गा विनय कुमार जी तेलंगाना से जी हाँ सर मेरे का नहीं idfc फर्स्ट बैंक है सर ये eighty में लिया twenty seven hundred shares से loss हो रहा है आपको तो हाँ अभी seventy eight ऐसा चल रहा है के लिए लिया था क्या हाँ ओके राजेश जी idfc बैंक जिस भाव पे लिया उससे दस रुपए नीचे है क्या करना चाहिए जी आई थिंक फिलहाल तो आप इसे होल्ड रखें क्योंकि आई बैंक की बात करें तो ये अपने एक रेंज में है रेंज क्या है 75 इसका सपोर्ट है और ऊपर में 84, 85 इसका रेजिस्टेंस है फिलहाल अगर आप देखें तो इसने अपने सपोर्ट टेस्ट करने के बाद फिर से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना शुरू किया है तो मुझे लगता है प्रोबेबली ये अपना जो रिसेंट हाई था एटी फोर एटी फाइव ये एक बार के लिए फिर से टेस्ट करे तो जब तक इस रेंज में है तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉप लॉस आपका होगा सेवन का बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें